ट्रिम मेथड, जो वाइट स्पेस होता है स्ट्रिंग के दोनों तरफ, जैसे इस साइड में इस साइड में, इन दोनों को ट्रिम किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसके लिए आपको ट्रिम मेथड इस्तेमाल करना होता है। तो इसमें देखिए, इस वेरिएबल में ये वाली स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, जिसमें एम्प्टी भी स्पेस है, इधर भी एम्प्टी स्पेस है, और स्टार्टिंग में भी एंड में भी दोनों जगह एम्प्टी स्पेस है। तो ये बेकार का स्पेस है जिसे हटाना है। तो ट्रिम वन पे, इस टेक्स्ट वन पे ट्रिम मेथड का इस्तेमाल किया, तो इससे जो स्ट्रिंग आती है उसको इसमें स्टोर किया। उसके बाद जावास्क्रिप्ट मेथड के ज़रिए इसकी वैल्यू को, ये जो इक्वालिटी के बाद जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो उठा के कहाँ रख दी जाती है, जहाँ पर आपका ये पैराग्राफ एलिमेंट है, इसके कंटेंट यानी इनर एचटीएमएल, इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल। तो डेमो नाम की आईडी वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसको एक्सेस करके वहाँ पर इनर एचटीएमएल ही रखने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ये स्ट्रिंग तो एज इट इज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद आपने टेक्स्ट वन डॉट लेंथ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसकी लेंथ को पता किया, तो लेंथ आ रही 22, ठीक। इसके साथ एम्प्टी स्पेस के साथ, यानी वाइट स्पेस के साथ है ये भी, टेक्स्ट वन में वाइट स्पेस भी शामिल है। उसके बाद आपने ब्रेक टैग लगाया, इसकी वजह से आपका कंट्रोल यहाँ नीचे आ गया और नई लाइन में लिखना शुरू किया इसको। तो टेक्स्ट टू लेंथ, टेक्स्ट टू लेंथ, टेक्स्ट टू यहाँ पर आ गया, इतना आया। उसके बाद आपने टेक्स्ट टू डॉट, इस पर भी लेंथ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया टेक्स्ट टू पे। तो इसमें क्या होगा, स्पेस ट्रिम हो चुका है, हट चुका है, वाइट स्पेस हट चुका है स्टार्ट और एंड दोनों जगहों से। इसीलिए आपको टेक्स्ट टू डॉट लेंथ से जो करेक्टर्स की वैल्यू मिलती है वो 12 मिलती है। आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड में आपको 12 वर्ड ही दिखाई देंगे, क्योंकि इसके आगे और पीछे दोनों ट्रिम हो चुके हैं, वाइट स्पेस हट चुके हैं। इसके बाद है ट्रिम स्टार्ट, यानी कि आप चाहते हैं केवल स्टार्टिंग में यानी ये वाला स्पेस ही हटे, ना कि ये वाला। तो आप ट्रिम स्टार्ट मेथड का इस्तेमाल करिए, तो आपका ये आगे वाला स्पेस हट जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ से मिल रही है। और इसी तरीके से आप ट्रिम एंड मेथड होता है, आप केवल इसको हटाना चाहते हैं, आगे वाला हटाना नहीं चाहते हैं, तो भी आप इसको हटा सकते हैं, क्योंकि ये क्या काम करता है, रिमूव्स वाइट स्पेस ओनली फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लास्ट में जो वाइट स्पेस है उसको हटाने का काम करता है ट्रिम एंड मेथड। उसके बाद है पैडिंग, पैडिंग स्टार्ट एंड पैडिंग एंड। तो जैसे ये वाइट स्पेस हम लोग हटा रहे थे, अब दोनों स्टार्ट में या एंड में हम लोग कोई स्ट्रिंग ऐड भी कर सकते हैं, या एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड कर लीजिए, या फिर कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई करेक्टर ऐड कर सकते हैं पैडिंग के रूप में। पैडिंग मतलब कोई टू सपोर्ट पैडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। कोई भी करेक्टर आप वहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट वन में आपकी स्ट्रिंग पड़ी हुई 5, उसके बाद इसके ऊपर पैड स्टार्ट मेथड लगाया, और ये आप बताते हैं कि कितने करेक्टर इसकी लेंथ होगी। यहाँ पर करेक्टर लेंथ होती है, मतलब कितनी लंबाई होगी पैडिंग के बाद, टोटल लेंथ इसको ऐड करने के बाद। ये एक करेक्टर है, स्ट्रिंग करेक्टर है, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है जो कि इसके स्टार्ट में ऐड होगी, और ऐड होने के बाद जो आउटपुट आएगा उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4, ये यहाँ पर बोल रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 3x हैं और एक 5, तो आपकी टोटल लेंथ कितनी हो गई, 4 हो गई, जो कि आपको यहाँ पर लिखी हुई। तो टोटल लेंथ आफ्टर एडिंग दिस टू स्टार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग, यानी इस स्ट्रिंग के स्टार्ट में आप ये जो करेक्टर लिखते हैं, ठीक। इसकी जगह पर मान लीजिए आप कुछ और लिख लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए कैपिटल बी लिख दीजिए, तो बी क्या होगा, इसके पहले आएगा, और आने के बाद जो टोटल लेंथ होगी वो 4 ही हो सकती है, इसलिए आपको 4 दिख रहा होगा, ठीक। तो ये पैड स्टार्ट है, पैड एंड होता है, ऐसे ही पैड स्टार्ट है, ऐसे यहाँ पर पैड एंड कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, टोटल लेंथ कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी, लेकिन ये जो बी लगना था 5 के पहले, अब वो 5 के बाद लगेगा, तो कितने लगेंगे, 3 लगेंगे, तो ये आपको लास्ट में दिखेंगे। तो ये हो गया पैड इंड मेथड, और बाकी आपको पता ही है कि जावा स्क्रिप्ट सप्लाई की जा रही है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, इस डॉक्यूमेंट में।
और इसमें आपका ये वेरिएबल है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट मेथड है, गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल, ये पैराग्राफ एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, डेमो आईडी वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट है इसको, ठीक, डेमो आईडी से एक्सेस कर रहा है, इस पैराग्राफ एलिमेंट को पहचानने की कोशिश कर रहा है, और उसके इनर एचटीएमएल यानी बीच में ओपन टैग क्लोज टैग के बीच में, ओपन टैग क्लोज टैग के बीच में ये क्या रखने की बात कर रहा है, इसका आउटपुट, इसका आउटपुट क्या आता है ये, ठीक, फाइव के बाद यहाँ पर जो भी आप करेक्टर रखेंगे पैडिंग कराएंगे तो यहाँ पर आपका फाइव के बाद वो सारे करेक्टर ये ऐड हो जाएंगे, और टोटल लेंथ कितनी होगी, फाइव। अब अगर आप फाइव की जगह सिक्स करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, बी जो है फाइव टाइम्स यहाँ दिखाई देगा, और इसको मिला के सिक्स हो जाता है, टोटल लेंथ आपकी कितनी हो गई, सिक्स हो गई, जो कि आपने यहाँ लिखा है। तो यहाँ पर लेंथ डिफाइन होती है, तो यहाँ पर भी वैसे ही है, सेम चीज़ है, चाहे तो इसको करके देख सकते हैं, ठीक, जीरो पैड स्टार्ट, ठीक। और उसके बाद ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप किसी नंबर को पैड करना चाहते हैं तो इसके पहले आपको उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखें, जैसे कि ये नंबर है, ठीक, तो इसको पैडिंग, इसमें पैडिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आपको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, इसके करने के बाद ये इससे हमें फाइव क्या मिल जाता है, स्ट्रिंग के रूप में मिल जाता है, यहाँ नंबर है तो स्ट्रिंग के रूप में मिल जाता है, यहाँ से स्ट्रिंग मिलती है तो इसको हम इस वेरिएबल में डाल लेते हैं, फिर इसके ऊपर पैड स्टार्ट मेथड लगा देते हैं, बाकी आपका सेम आउटपुट आएगा, ठीक। इसमें भी आपका फाइव के पहले ट्रिपल ज़ीरो। इसके बाद है पैड इंड मेथड है, वैसे ही सेम मेथड है, इसमें भी कुछ नहीं है,